उत्तर प्रदेश में बिजनेस कर पाने के लिए अब नई उड़ान भर रहे हैं, चाहे वो डिजाइन का क्षेत्र हो या अन्य। बैंगलोर, दिल्ली और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के बाद अब सीधे उत्तर प्रदेश में भी अपना इंस्टीट्यूट को बनाया और उसके बाद यहाँ पर डेवलप किया। क्या क्या उनकी मांगे हैं, हम भी पूछते हैं क्या क्या वो चाहते हैं जिस तरीके से यहाँ पर हैं। हमारे साथ भंवर जी, डॉक्टर भंवर मौजूद है। सर, आपने जो ये आज प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या वो प्रोग्राम है और किस तरीके का आपने यूपी में सेटअप स्टार्ट किया और क्यों? आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें बच्चों को स्किल को डेवलप किया जा रहा है और वो जिस स्किल में अच्छे हैं उससे रिलेटेड रोजगार मिले। आज से 5 साल पहले मैंने लखनऊ में अपना सेंटर जब खोला और खोलने की इच्छा जाहिर की, तब मुझे लगा कि ये एक सेफ सिटी नहीं है और यहाँ पे गुंडागर्दी है, सब कुछ है, तो यह बिजनेस के लिए एक सेफ नहीं है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, आपका अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, बॉम्बे भी है और अब योगी जी हैं यूपी में, और पहला जैसा लखनऊ नहीं रहा है। अब वो लखनऊ बदल चुका है, वो लखनऊ में अब विकास हो रहा है और आपको डिज़ाइन के बच्चे अहमदाबाद में पढ़ने आ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ने आ रहे हैं, आप लखनऊ खोलें। तो फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे मैंने अपना लखनऊ सेंटर खोला, 10 बच्चों से स्टार्ट किया। थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप होने लग गया और आज मेरे पास यूपी में 800 बच्चे। आपने जब शुरुआत की थी तब आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो एटमॉस्फेयर मिला आपको, G20 यहाँ पर हुआ, कई बिजनेसमैन को यहाँ पे इनवाइट किया गया, आपको लगता है कि वो सारे सही हैं और आप भी आकर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं? जो भी इंडिया लेवल पे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो मेहनत कर रहे हैं पूरे इंडिया के लिए वो बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम टैलेंटेड लोग पीछे रह रहे हैं, हम लोगों तक पता नहीं चल पा रहा है। हम भी इसमें हेल्प करना चाहते हैं लेकिन कहीं तरह से ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। स्किल इंडिया के तहत बहुत से बच्चों में पोटेंशियल होता है, वो यूपी से बाहर निकल जाते हैं अपने पोटेंशियल को लेकर। आपको लगता है कि स्किल इंडिया के तहत क्या क्या इनिशिएट होने चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए जिससे कि और बच्चे यूपी में, यूपी का टैलेंट है, यूपी में रहे और बाहर जाके अपनी सेवाएं दें? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना सेंटर 2005 में गुजरात में स्टार्ट किया। गुजरात में मेरा ये प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद पिछले 10 साल में 11 डिज़ाइन इंस्टीट्यूट खुल गए, तो वहाँ पे लोगों को पता है कि स्किल डेवलपमेंट किया है। यूपी में ये चीज़ अभी कम है, डिज़ाइन कॉलेजेस कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे और लोग अच्छे मिलेंगे मुझे और ये चीज़ यहाँ पे भी स्टार्ट होगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट होना चाहिए? गवर्नमेंट को डिज़ाइन एक फील्ड एक अच्छी है, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, तो डिज़ाइन को भी गवर्नमेंट हेल्प करे स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के साथ हमारे साथ मिले, और हम ये प्रोग्राम पूरे इंडिया में करते हैं तो गवर्नमेंट से मैं चाहूंगा कि वो हमारी मदद करे ताकि हम, मैं और गवर्नमेंट दोनों मिलके इंडिया के लिए बेस्ट बच्चे प्रदान कर सकें। ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर भंवर जी, साफ तौर से मानना है कि कुछ साल पहले जब वो यूपी में इस तरीके का सेटअप लगाना चाहते थे नहीं लगा पाए, लेकिन आज उनको फ्रीली उस सेटअप को लगा पाए हैं और स्किल इंडिया के तहत उन बच्चों को क्वालिटी दे रहे हैं, चाहे वो डिजाइन के क्षेत्र में है, फैशन के क्षेत्र में है, और आगे भी गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि लगातार अगर इस इनके इनिशिएट को आगे बढ़ाया जाएगा तो यूपी में बहुत सा ऐसा टैलेंट है जो बाहर प्रदेशों में जाकर अपनी निखारता दिखा पाएगा और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर पाएगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज